Be creative. हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बी क्रिएटिव पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आसान तरीके से एक खूबसूरत फ्लावर पॉट कैसे बनाते हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इस फ्लावर पॉट में रखने के लिए फ्लावर्स कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं इस खूबसूरत फ्लावर पॉट को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत लगती है। इसे बनाने के लिए हमें 2 18x20 सेंटीमीटर के सफेद कागज, वाटर कलर्स, किसी भी प्रकार का ग्लू, कैची और एक पेंट ब्रश चाहिए। अब एक सफेद कागज लीजिए, उसके एक साइड पर ग्लू लगाइए, उससे कोन बनाकर अच्छी तरह से चिपकाइए। अब उस कोन को इस तरह काटिए कि वो सीधा खड़ा रह सके। इस तरह सफेद कागज से एक और कोन बना लीजिए। दूसरा कोन लेकर उसके ऊपरी हिस्से को काट ले। इस तरह काटने के बाद इसमें पहला वाला कोन फंसा दीजिए। इस तरह इसे चिपकाने के बाद हमारा फ्लावर पॉट तैयार हो जाएगा। अब इसे ग्लू से चिपका लीजिए। इसे अच्छी तरह से चिपकाएं ताकि ये निकल ना जाए। आप अपना कोई भी मनचाहा कलर ले सकते हैं, और आप जैसी चाहे वैसी डिजाइन इस पर बना सकते हैं। मैंने इस पे सिंपल तरीके से बस अलग अलग रंग की रेखाएं खींची है। और इसे इस तरह कलर किया है। तो इस तरह हमारा फ्लावर पॉट बन गया। काफी खूबसूरत लग रहा है ना? इस फ्लावर पॉट में रखने के लिए हमें खूबसूरत फ्लावर्स भी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि फ्लावर पॉट में रखने के लिए फ्लावर्स कैसे बनाएं। इसके लिए हमें चाहिए एक 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली पट्टी। ये पट्टी जितनी लंबी होगी उतना ही बड़ा आपका फ्लावर दिखेगा। एक 2x6 सेंटीमीटर की पीले रंग की पट्टी, एक पतली लकड़ी, एक हरे रंग का सेलो टेप। अब पीली पट्टी को थोड़ा ग्लू लगाइए। और पीली पट्टी को दिखाए गए तरीके से अच्छी तरह से चिपका लीजिए। इसे अच्छी तरह से चिपकाने के बाद एक कैची लीजिए और दिखाए गए तरीके से इसे काट लीजिए। पीली पट्टी को थोड़ा बारीक काटिएगा। इसी तरह गुलाबी पट्टी को भी काट लीजिए। अब एक पतली लकड़ी लीजिए और उस पर थोड़ा ग्लू लगाइए। इसके बाद पट्टी को लकड़ी पर चिपका दीजिए। और फिर इस तरह फेविकॉल पट्टी पर लगाइए।
इसे दिखाए गए तरीके से गोल गोल घुमाइए। तैयार होने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद इस पर इस तरह सेलो टेप चिपकाइए। पत्तियां हरी होती है इसलिए हमने इस पर हरे रंग का सेलो टेप चिपकाया है। ये फूल अभी एक कली लग रहा है। ये एक खिला हुआ फूल लगने के लिए इसकी पंखुड़ियों को इस तरह मोड़ दीजिए। तो इस तरह हमारा ये एक फ्लावर तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप अलग अलग रंग के फ्लावर्स बना लीजिए। अब फ्लावर को फ्लावर पॉट में रख दीजिए। देखिए ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप भी ऐसा ही एक फ्लावर पॉट अपने घर पर बनाकर देखिए। जाने से पहले यही कहना चाहूंगा, बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए और इस रेड बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाने को मत भूलिएगा।